नवीन जिंदल बहुत 10 साल पहले ना जी ना तो मैं चोरा दो कोला लखा गया दो हाँ इन चोरा दी फिर टिकट दे दी दूध तू ले गया वर्षी बोर्ड ने मत ले दिया उसका जिंदल का पाँच साल 11 भी ले दो 12 भी दो दिल्ली पीछे है अरे चौबे गाड़ी का लागे डांडे के छान लगा वो सर पर गए जब मोदी वर्गी सरकार कोई नहीं चला सकता चाहे कितने चाहे मर के भी जम जान नहीं मोदी वर्गी सरकार कोई नहीं चला सकता मां ने तो मजा नहीं आया इस सरकार का जमीन तो इस बार मन बनाए रखा बदलाव जरूरी है बदलाव जरूरी है सरकार ने कुछ नहीं देख दे सब दिन माटी कर दी किसानी अब की बार ऐसी गंदी सरकार तो यार कभी देखी होगी सबसे ज्यादा प्रतिशत सरकार में चल रहा है तो मैं भी खर्ची वर्ची मेरे यार अच्छी बात छिड़ा है पर्ची है इस तरह और यार जमात भी बोल के टोल लेगा सरकार यार अगला पे खड़िया है जो मोदी का आदमी बीजेपी का तो सूर्य देवीलाल का परिवार है अच्छा जो सूर्य बीजेपी का नहीं है एक अरे खड़े खड़े करे चाटे वोट पड़ लिए अरे जिंदल जीत जाए अपने बेजा को मोदी वर्गा का राजा होना ही कोई हां बदलाव जरूरी है हर 5 साल में बदलाव जरूरी है केजरीवाल ने बस देख दिल्ली में काम बहुत करे है निजाम का सार कर दिया और बन गया रोजगार बहुत बढ़िया करा था हरियाणा की सत्तावोट सीट कहे जाने वाली कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में तय कौन सा उम्मीदवार सबसे भारी पड़ेगा कैथल की विस्तार मंडियां पहुंचे बातचीत करेंगे किसाना तय किसाना खातर कौन सी सरकार सबसे बढ़िया रही और यदि बात करा तो सांसद की कौन सा सांसद उनका विकास करा पाए ये नाम है रामकला भाई रामकला कहाँ तो शेरों खड़ी चौबे गाड़े लागे डांडे किसान लगा वो सरपंच गए जब चंडीगढ़ वाले खड़े ऐसी गंदी शिकार तो नहीं है कोई नहीं पता गंदी शिकार करा है फिर क्या फायदा करिए बताइए नहीं बोला लोट बदली के कटिया गरीब तो लगे लैन लाना है अपना क्या करे भाई फायदा करे इस पर की गंदे शिकार तो आई है कोई हर तो यहाँ गया जाए नहीं गंदे शिकार देश के लाभ होगा इतनी बेचता बुचता जो इस पर गंदा आदमी खुले तो आपने कौन सी सरकार ठीक लग गया भाई सरकार किसानों का फायदा कर सके कांग्रेस 60 साल रहेगी उसकी कोई नुकसान नहीं करा लाल से फायदा नहीं करा निशाल बिल्कुल नहीं करा नूपता से फायदा नहीं करे निशाल बिल्कुल नहीं करा उसमें तो रेट भी ठीक थे गरीबी सारी थी सुनता के मंगा जो कहता मोदी सुनवा दे लोग कहता थे पाकिस्तान एक कसी ताले में 13 रन लेकर उतारूंगा बाहर सुन तार से फौजी मरा जा आपको बम पकड़ लिया गया 420 करके बम पकड़ा फिर ले गया जा दबला पाकिस्तान पे उल्टा उल्टा दा बढ़ सके थोड़ा गेट के कोले अरे बोला कर दिया काम मोदी ने भाई अपने पहले सांसद हो करता अपने नायब सिंह सैनी ये मुख्यमंत्री बन गया नायब सिंह सैनी ने कितने की देखो मुख्यमंत्री बनने के बाद विकास करा यू इनका ही फुप्पा में जा रहे हैं नायब सिंह और हमारी मार नहीं ये पार्टी वाई होगी या ऋषि कुल चलती चल रही थी मोदी की मीत चाहे चल रहा है जो कुल है और सब खट्टे साई नहीं हो रहा ये तो उन्हें चली दल में लगा गई और ये तो उन्हें चेहरे से आई है तो अच्छा अपना एक पार्टी आएगी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए संगठन कर लिया है बढ़िया पार्टी है आम आदमी पार्टी बढ़िया सुशील गुप्ता कैंडिडेट है क्या बहुत बढ़िया रहा आजाद और के दिखा है कोई लिकट जागा जो आरंभ परिंत है और के पत्थर रहेगा जो वोट देने बार जो मैं मिर्च कलांगे पूरी आगे उसी किस्मत है भी अगला सांसद कौन सा यो बना जीत गुप्ता ने यो आम पार्टी का बीजेपी का सूर्य देवीलाल का परिवार अच्छा सूर्य बीजेपी का नहीं है अरे खड़े जैसे खड़े करे चाटे वोट पड़ लिए और जिंदल जीत जाए अपने बेजा को जैन का कल है मैं उनका किसान की आवाज उठाऊं उनका ऊपर तक ईश्वर का गंदा आदमी जो केजरीवाल ने किसा देखो हैं केजरीवाल ने बस देख दिल्ली में काम बहुत करे है निजाम का सार कर दिया और उरा बन गया रिश्तेदार बकबलिया करागा क्या नाम है बलबीर सिंह कहाँ से हो कुलतारन से कुलतारन से हाँ गेहूँ लेकर मंडी हाँ जी किसी की देखो सरकार ने किसाना कितने फायदा करे हाँ किसाना का घर ही करे दिया किसान तो बुलो दिए ना किसान की तो इतनी सरकार देखो आपको बुलो दिए किसान का पोर्टल पे दर्ज कराओ और अपनी कनक बेच के करा लीजिए पीछे पीछे पोर्टल मारी बढ़िया बिके कर दी क्या के पोर्टल थे कागजों कागज दे रखे हाथ में फिर जाओ उठाए सने पेट आला थे भी कागज पकड़ा दिए अच्छा मानने तो मजा नहीं आया इस सरकार का जमीन भी
दस साल लिखड़ के खाम खाई के उत्ती के बाजे इब क्या बदलांगे कांग्रेस ने ले आवांगे। कांग्रेस ने क्या लिया, कांग्रेस पीछे दस साल पहले थी, फिर ले आवांगे फिर बदल लेंगे इन्हें दोबारा, बदल के ले आने चाहिए तो आपस में पांच सौ साल रहनी चाहिए, इनका ज्यादा देर नहीं लावा इन्हें, इन्हें तो घेर ले टांग पकड़ के आई साल। तो इस बार मन बनाए रखा बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। तो आगे फिर आपने क्या कांग्रेस तो अपना कैंडिडेट है क्या सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी का, तो उसकी किसा देखो फिर विकास कराए देगा करावागा, तो मोदी ने किसा देखा दे वाह बग जाएगा नहीं हुआ क्या बस और के लिया जाए इनका। क्या नाम है जी? कश्मीर से। कहाँ से हो? मांझले। मांझला था, गेहूँ लेकर आ रहे। हाँ जी। कितने दस साल में कितने किसानों का फायदा करे सरकार ने आपने मोदी ने? हाँ मोदी ने तो करे, झूठ नहीं बोलना, मोदी वर्ग का राजा होना ही कोई कोई। हाँ क्या मोदी ने तो लठ मारे हैं किसानों के, कोई लठ नहीं मारे, कोई कुछ नहीं मारे। हाँ सही, एंदे वर्गी सरकार कोई बूतनी का बच्चा चला आई को नहीं सकता। मोदी वर्गी? हाँ मोदी वर्गी, एंदी जिन्हें सरकार चलाई है नहीं, एंदे वर्गी कोई नहीं चला सकता। लोगों का यूपी जितने बने हैं नहीं सब मेरे संभाले में तो लटेरे हैं, जितने बने हैं लोगों का यूपी और पैच उनसे लुटेरे हैं नहीं, सारे के सारे फिर बीजेपी में शामिल होने लग रहे हैं। बस बस मोदी वर्गी सरकार कोई नहीं चला सकता, चाहे कितने चाहे मर के भी जम जान, नहीं ओंदे वर्गी सरकार कोई नहीं चला सकता। नाम है भाई जी? रोहित तारागढ़। तारागढ़ तक किसे देखो सरकार ने? सरकार ने कुछ नहीं देख दे भाई, सब दिन माटी कर दी किसान अबकी बार। अच्छा बिल्कुल नुका किसान ने पोर्टल पावर बेचो किसान? नहीं नहीं ऐसी गंदी सरकार तो यार कभी देखी हो नहीं, किसानों के लिए तो इसने कोई बढ़िया काम नहीं किया बिल्कुल। दस साल नहीं हुए निकल गए बस। तो आगे कौन से देखो सरकार भी बहुत बढ़िया रहे किसान की तो इसी माननी चाहिए। देखो वैसे तो कोई भी सरकार बढ़िया नहीं अभी तक किसानों के लिए, तो कोई बढ़िया नहीं हुई है भाई साहब, ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी देखो जनता क्या बदलाव ले आती है अब की बार, यानी बदलाव जरूरी है। हाँ बदलाव जरूरी है, हर पांच साल में बदलाव जरूरी है। आम आदमी पार्टी वैसे केजरीवाल ने बहुत अच्छे कार्य किए दिल्ली में, जैसे हॉस्पिटल है, फ्री दवाइयां है, फ्री शिक्षा है, बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं केजरीवाल ने, लेकिन वो भी अब भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहा है, जेल के अंदर डाल दिया उसने उसको भी, अगर हरियाणा में आता है तो देखो, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकता नहीं वो, यहाँ भी तो बंदा कोई बढ़िया चाहिए, आम आदमी पार्टी के पास कोई बढ़िया कैंडिडेट तो नहीं है ना, काम तो वो तो बंदे की सोच पे डिपेंड है। केजरीवाल की सोच अच्छी थी, दिल्ली में अच्छे कार्य किए हैं। तो हरियाणा की यदि कैथो की बात करा, कुरुक्षेत्र की बात करा, तो नवीन जिंदल बीजेपी से आएगी? नवीन जिंदल पहले कांग्रेस से ही था, अब बीजेपी से आए ये। ये तो कोयला घोटाला के उसके कारण इन्होंने 10 साल तक राजनीति से ये दूर रहे हैं, इस वजह से ही बीजेपी के पास कोई बढ़िया इन्होंने कैंडिडेट नहीं लगा यहाँ कांग्रेस के खिलाफ, तो नवीन जिंदल उतार दिया इन्होंने, अपने पाड़े में ले लिया। यदि बात करा कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी का, सुशील गुप्ता आगे फिर उसकी? सुशील गुप्ता भी आए हैं तो मेरे इतने वो नहीं है, सुशील गुप्ता भी बढ़िया कैंडिडेट नहीं लगते। अभय सिंह चौटाला भी आ गए? हाँ अभय सिंह चौटाला आ गया, इन्होंने किसानों के लिए अच्छे कार्य किए हैं, किसानों के मुद्दे भी उठाए हैं इन्होंने, किसानों जब किसान आंदोलन था इन्होंने इस्तीफा भी दिया था, तो है अब यही सत्य है, सत्य है। इसे की देखो सरकार ने, रोजगार की बात करा तो युवा है रोजगार दे पाई है? ना नहीं दे पाई भाई, रोजगार है अच्छा, और सारे हुए पेपरे थम रहे, पेपरे लिख रहे हैं सारी जाने के। अच्छा हाँ वो कहने सिकड़ता होगी ना, ये सारे चोर ठग हैं वहाँ। हाँ अन्यू कोई कर देगा भाई नुगे, या तो सरकार ने बहुत बढ़िया सरकार है, बिना खर्ची बिना पर्ची के लाना, सबसे ज्यादा पर्ची सेम सरकार में चल रहा है, तो कहा बिना खर्ची पर्ची मेरे यार अच्छी बात छिड़ा है पर्ची आई सरकार, और या जमा पूरे का टोले बाद सरकार याद हो अपने बेरे को नहीं और जमा। अच्छा फिर दूसरी सरकार कौन सी ठीक लग गई भाई? दूसरी भाई कांग्रेस से लेकर राज्य बताओ भाई, कांग्रेस से लेकर राज्य बिल्कुल, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने संगठन बना लिया, इकट्ठे हो गए पर बढ़िया कर दिए काम। आम आदमी पार्टी ने कितने के देखो फिर ठीक, फिर आम आदमी पार्टी भी सही है, आम आदमी पार्टी तो अपना जाट वाला सुशील गुप्ता आए गए। हाँ जी सुशील गुप्ता लग गया अपना विकास करा, हाँ करा देगा जी। नवीन जिंदल बहुत दस साल पहले ना जी, ना मैं चोर दो कोला लखा गया दो, हाँ इन चोर दी फिर इस चोर दे दी वोट, अच्छा टिकट दे दी, टिकट दे दी। हाँ तो फिर अगले पहला दस साल पहला मैंने कहते हैं खा गया कोला, खा गया कोला, वो कोला फिर उसका फिर टिकट थमा दी जा करी, हाँ दूध का तो ले गया वर्षी बोर्ड निर्मत ला दिया उसका जिंदल का। हाँ